हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आपका स्वागत है प्रिया के पकवान में। रसमलाई मिठाई होती है सबकी फेवरेट मिठाई, जिसे घर पे बनाना हो जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि हमें दूध से छेना निकालना पड़ता है, फिर चाशनी बनानी पड़ती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा। महीने में एक बार कर भी ले तो हमेशा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो आपकी समस्या का समाधान है मेरी इस वीडियो में। मैं बनाऊँगी रसमलाई, इंस्टेंट रसमलाई, बिना छीना के, बिना चाशनी के, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत यमी लगती है खाने में। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रसमलाई को। तो चलिए हम बनाते हैं रसमलाई बहुत ही इजी तरीके से, लेट्स कुक। हमने लिया है एक पैन, इसमें हम डालेंगे लगभग 1 लीटर दूध। यहाँ मैं गाय का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो पैकेट दूध भी यूज़ करके इसे बना सकते हैं। दूध को हमें मीडियम फ्लेम पर बॉईल करके रबड़ी बना लेना है। इसे हम अच्छे तरह से गाढ़ा करेंगे और डालेंगे केसर। केसर को मैंने पहले ही पानी में भिगो कर रख दिया था और इसे चलाते रहेंगे। देखिए दूध गाढ़ा होते जा रहा है। और डालेंगे नट्स। नट्स में मैंने बादाम, पिस्ता और काजू का यूज़ किया है और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो और भी कोई नट्स आपके मन पसंदीदा यूज़ कर सकते हैं। दूध को लगातार हम चलाते रहे, वरना ये जम जाएगा, नीचे हमारा दूध चिपक सकता है और जल सकता है। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और साइड में ये जो मलाई जम रही है इसे हम वापस से दूध में मिला देंगे स्क्रैच करके, ताकि हमारे दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए। जैसे जैसे दूध गाढ़ा हो जाएगा हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 इलायची। इलायची को मैंने हल्का सा क्रस्ट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए दूध हमारा गाढ़ा होते जा रहा है, इसे हम चलाते रहेंगे और साइड में जो मलाई हमारी जम रही है उसे हम दूध में मिलाते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच चीनी। मैंने 1 लीटर दूध के लिए 1/4 चम्मच चीनी का यूज़ किया है। वापस से इसे चलाएंगे क्योंकि चीनी भी अपना मॉइस्चर थोड़ा सा रिलीज़ करेगी। तो हम इसे चलाते रहें। हमें 1 लीटर दूध को गाढ़ा करके लगभग 1 पाव दूध यानी 250 ग्राम दूध बनाना है। तो देखिए ये गाढ़ा होते जा रहा है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक कटोरी में निकाल के मैं रख रही हूँ इसे फ्रीज में लगभग आधे घंटे के लिए। फ्रीज़र में ना रखे, सिर्फ फ्रीज में रखे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मेरे पास कुछ ब्रेड के स्लाइसेस है, इनमें से मैं एक ब्रेड लूँगी और इन्हें गोल शेप में काट लेंगे। इसे काटने के लिए मैंने यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का ग्लास का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर कुकीज़ कटर या कोई कटोरी से भी इसे काट सकते हैं। हम ब्रेड के स्लाइसेस को गोल काटेंगे, देखिए इस तरह से, और इसे बाहर निकाल देंगे। इन बचे ब्रेडों को आप फेंके ना, आप इसे आसानी से ब्रेड क्रम बना सकते हैं। हम फिर से दूसरा ब्रेड लेंगे और इसे ही सेम उसी तरह से गोल शेप में हम काट लेंगे। देखिए ये हो चुका है। तो अब चलते हैं फाइनल स्टेज, वो है प्लेटिंग का, उसे करने के लिए। तो सबसे पहले एक सर्विंग प्लेट ले लें और इसमें ब्रेड के स्लाइसेस को रख देंगे। देखिए इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसे। और इसके ऊपर हम ठंडी ठंडी मलाई डालेंगे। मलाई को ठंडा करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, वरना गर्म मलाई में आपके ब्रेड फट सकते हैं। तो मलाई को ठंडा आप ज़रूर करें, इसे बिल्कुल भूलें ना। गार्निशिंग के लिए मेरे पास कुछ नट्स हैं, मेरे पास है पिस्ता, बादाम, थोड़े से सैफ्रन जो मैं इस पर लगा दूँगी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये लीजिए आपका इंस्टेंट ब्रेड रसमलाई बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप जब इसे खाएंगे या किसी को खिलाएंगे तो इसे कोई भी बोल नहीं सकेगा कि ये ब्रेड से बनी है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ब्रेड रसमलाई कैसी बनी। तो मैं फिर से आऊँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।